बिलासपुर सदर विकास क्षेत्र में शक्ति का दुरुपयोग कर जबरन थोपे गए विधायक ने इन 6 महीनों में विधायक निधि की एक भी फूटी कौड़ी विकास पर खर्च नहीं की है। अलबत्ता भाजपा ने अपने चहेतों के काम के लिए सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया है, किंतु अपर देश की जनता ने भाजपा सरकार को बाहर का रास्ता दिखाकर प्रदेश के सभी क्षेत्रों के विकास के मार्ग प्रशस्त किए हैं, जिसके तहत 5 साल तक रुक के कामों को एक बार फिर से गति मिलना शुरू हो गई है। यह बात बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व विधायक व PCC महासचिव बबर ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि पार्टी की सरकार और उसके मंत्री और MLA भूमि पूजन के नाम से जाने जाते हैं, जो कार्य तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र जी ने किए थे उनका केवल मात्र भूमि पूजन लोगों ने किया और उसका उद्घाटन करने आ गए। 99% काम हो गया था सिंथेटिक ट्रैक का, उसका भूमि पूजन किया और चंद दिनों के बाद जयराम जी आए और उसको अपनी पट्टिका लगा करके अपनी वाहवाही करने के लिए जो है वो चले गए। ऐसे हमने ये बनाया था 33 करोड़ रुपए का इंटरनेशनल ऑडिटोरियम। पहले तो मुख्यमंत्री इसको जयराम जी तत्कालीन मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मंडी ले जा रहे थे, नोटिफाई कर दिया था, हमने स्ट्राइक की उसको रोका और अब आए और फट्टा लगा के चले गए। उसमें जो है वो चौकीदार ने बिल्कुल अबंडन छोड़ के चले गए 33 करोड़ की बिल्डिंग को। हम धन्यवाद करना चाहेंगे डिप्टी CM साहब का, मुख्यमंत्री जी का, कि डिप्टी CM साहब यहाँ पे आए, उन्होंने 1 करोड़ रुपए का फर्नीचर लगाने के आदेश किए, मंजूर किया, साथ में 5 पोस्टें मंजूर की, चौकीदार, इलेक्ट्रीशियन, कुक, ऐसे जो भी वहाँ पे रिक्वायर्ड था 5 पोस्टें मंजूर करके गए, ताकि वो बिलासपुर की और हिमाचल प्रदेश की जनता को समर्पित हो सके। आज वहाँ पे कार्यक्रम चले हैं, यहाँ पे लोक निर्माण मंत्री आए और 18 लाख रुपये बहुत कसोल की सड़क को पक्का करने के लिए देके गए, 2 महीने के अंदर काम पूरा होगा। 25 लाख रुपये दड़ी जंगल चिलेटा की सड़क को पक्का करने के लिए देके गए और मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया कि हमने फुटपाथ बनाए थे शहर में जो कुछ टूट गए उनका रंग रोगन उनकी मुरम्मत हो, पार्क बनाए हैं अपने 50 लाख रुपये उनकी मुरम्मत हो, नए बने। तो मुख्यमंत्री जी ने बिलासपुर के पार्कों को उनके फुटपाथों को उनकी रिपेयर करने के लिए 50 लाख रुपए दिए हैं और छोटी पार्किंग डिसेंट्रलाइज पार्किंग बनाने के लिए 50 लाख दिए। 1 करोड़ 3 लाख रुपए जो पार्किंग का एक स्लैब पड़ गया था, एक लेटर पड़ गया था और 5 साल में भाजपा ने उस पर कोई काम नहीं किया, 1 रुपये लगाया, 1 करोड़ 3 लाख रुपये उस पार्किंग को गुरुद्वारा के पास जो बन रही है उसको कम्प्लीट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने दिया, उनका हम धन्यवाद करते हैं। 60 लाख रुपए कॉलेज चौक से ITI की तरफ को नया फुटपाथ बनाने के लिए दिया। ये फुटपाथ बिलासपुर के अंदर पहली बार हमने बनाए थे, दूसरे किसी जिला में ये नहीं थे, ताकि बुजुर्गों को, स्कूल के आने वाले बच्चों को वो सुरक्षित रहें। तो ये धनराशि जो है हमारी सरकार ने अभी मंजूर किया, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने मंत्रियों का धन्यवाद करना चाहूँगा। स्वास्थ्य मंत्री जी आए, 8 करोड़ रुपए जो है वो नर्सिंग हॉस्टल को मंजूर करके गए, वो भी 5। बिलासपुर से आपका फैसला के लिए विजय कुमार की रिपोर्ट।